21 জুলাই ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সাফল্য করতে কানকি অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বাইক র্যালি বের করা হয়। রবিবার বিকেলে বাইক র্যালিটি চাকুলিয়া থানার হাটুয়ার চক থেকে শুরু করা হয়। সেখান থেকে রামপুর হয়ে কালীবাড়ি নিশিন্দরা রামকৃষ্ণপুর হয়ে কানকি বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়। চাকুলিয়া ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনবার আলমের নির্দেশে কানকি অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে র্যালিটি বের করা হয়। সহযোগিতায় ছিলেন কানকি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস, চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূল আইএনটিটিইউসি ও চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये बाइक रैली का जो आयोजन किया गया, ये हमारे युवा ब्लॉक सभापति अनवर भाई और यहाँ के जितने भी हमारे युवा संगठन के लोग हैं, ये तमाम लोगों से रब्ता करके ये लोग बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें फिर हम लोग कल भी बैठे थे इसको लेकर के, मदर के तमाम लोगों को लेकर के बैठे थे, किस तरह से किया जाए, क्या सिस्टम है, वो तमाम चीज़ों को लेकर के बैठे। फिर आज जो है उसको एक अच्छे तरीके से सैकड़ों की तादाद में, आपने भी देखा होगा सैकड़ों की तादाद में 21 जुलाई को लेकर के शहीद दिवस, यानी युवक की तरफ से एक काफ़ी उत्साह और एक जोश जो था उन लोगों ने, वो लोग दिखाना चाह रहा था कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। लहजा ये देखने को मिला आज कि जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में नौजवान जितने भी हैं, तमाम लोग झुंड में, और हम लोग मदर की तरफ से जितने भी तमाम लोग एक जा होकर के आपका हटवार से लेकर के, हटवार पेट्रोलियम से लेकर के रामपुर होता हुआ कालीबाड़ी चकोलिया, उसके बाद फिर कानकी में आकर के आज हमारे भुट्टू भाई और हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईएनटीटीसी के प्रेसिडेंट हैं शेखरदा, इन लोगों के तमाम लोगों के नेतृत्व में जो है एक स्टेट कॉर्नर किया गया 21 जुलाई को लेकर के। और ये बहुत अच्छी बात है कि 21 जुलाई शहीद दिवस, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको मना रही हैं, तो ये काबिले सराहना है, काबिले तारीफ है। ये बयान ही किया जा सकता दिल से कि आज पूरे बंगाल के लोगों के अंदर जिस तरह से जोश और हलूला देखा जाता है, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे पास मैंने ट्रेन का टिकट किया या नहीं किया, मुझे किस तरह से जाना है, बस मुझे धर्मतला जाना है और वहाँ पर हाजिर लगाना है, इसलिए कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हम लोगों को आवाज़ दी है और उसकी आवाज़ पर हाँ करते हुए, लब्बैक कहते हुए हम लोगों को कोलकाता पहुंचना है। इसीलिए आज आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ यहाँ जमी थी, और मैं समझता हूं कि हमारे चाकुलिया विधानसभा के तमाम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम लोग, हमारे एमएलए साहब चूँकि कोलकाता गए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है वहाँ, और हमारे युवा प्रेसिडेंट अनवर भाई भी वो कोलकाता में है, वो भी अपने इसी सिलसिले को लेकर के कोलकाता पहुँचे हुए हैं, तो उन लोगों के निर्देश के मुताबिक हम लोग यहाँ आज जमा हुए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी कानकी अंचल ही नहीं बल्कि और भी तमाम विधानसभा से जितने भी नौजवान हैं, इसको और भी बड़े से बड़ी रैली में इसको बदलने की कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से ये पैगाम है हमारे चकोलिया विधानसभा के लोगों को कि आइए, जब ममता बनर्जी ने आवाज़ दिया है, जब ममता बनर्जी ने डाक दिया है, जब ममता बनर्जी ने हम लोगों को बुलाया है, तो हम क्यों ना जाएँ। इसलिए कि ममता बनर्जी ही एक वाइज नेत्री है, ममता बनर्जी ही एक वाइज लेडी है जो आपके और हमारे बारे में सोच रही हैं, रात दिन ये कर रही है। इसलिए हमें चाहिए कि ममता बनर्जी को मजबूती के साथ उसको बचा करके बंगाल में रखना होगा, और अगर ममता बनर्जी बंगाल में रहेंगे तो हम अमन, शांति, चैन, सुकून के साथ रह पाएंगे।